हमारे क्षेत्र के और हमारे पूरे कुमाऊं मंडल के मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। कमेटी के मेंबर्स की तरफ से, सभी की तरफ से आदरणीय श्री हीरा वल्लभ बेलवाल जी हमारे बीच में हैं। सादर स्वागत आपका और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपनी उपस्थिति हम सबको दी है। आप बहुत ही पुराने वॉलीबॉल के खिलाड़ी गुरुजी और आप सभी बहुत सीनियर वॉलीबॉल के खिलाड़ी रहे हैं और अपने वक्त की वॉलीबॉल को यहाँ पर हम लोग याद कर रहे हैं, तो मैं एक बार फिर सभी सीनियर्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार स्कोर होता हुआ 2-1, अच्छी जंप एंड सर्विस वहां पे। फिर से एक बार बॉल बनी है पीछे से, चेकआउट निकालने में कामयाब रहे बैक के स्मैशर। स्कोर होता हुआ 3-1, जीएसए क्लब 3 बिंदु खत्ता 1। फिर से एक बार अच्छी जंप एंड सर्विस वहां पे, बॉल बनी है काउंटर के लिए, अच्छा ब्लॉक वहां पे। फिर से एक बार स्कोर तो 4-1, अच्छा स्पैश यहां पे, सेंटर खेल रहे हैं और वहां से ही प्रयास था और चेकआउट निकालने में कामयाब हुए जीएसए क्लब के खिलाड़ी। स्कोर था हुआ 5-1। फिर से एक बार अच्छी जंप एंड सर्विस, बढ़िया रिसीव वहां पे, बॉल बनी है और शानदार स्पैश, डिफेंस बिगड़ा। अंक मिला बिंदु बत्ता को, स्कोर तो हुआ 2-5। बढ़िया सर्विस, बढ़िया रिसीव, बॉल बनी है छोटी और नेट पे पकड़े गए बिंदु बत्ता के खिलाड़ी। अंक मिला जीएसए क्लब को, स्कोर तो हुआ 6-2। चार अंकों की बढ़त लेके चल रहे हैं इस समय। फिर से एक बार अच्छा स्मैश, छोटी बॉल बनी थी, मुस्तैद थे वहां पे, स्कोर लिया अपनी टीम के लिए 3-6। नमस्कार सर, बढ़िया बजाने का लगा दो, अर्जेंट पड़ रही ना, मनोज और तो बड़ा खतरनाक कर गया। फिर से एक बार स्कोर होता हुआ, अच्छा स्मैश वहां पे, उतना ही बढ़िया डिफेंस। अच्छी बॉल बनी थी वहां पे, अच्छा है ब्लॉक, लेकिन नेट पर उलझे, अपने ब्लॉक को धराशायी करा और स्कोर होता हुआ 7-3। लगातार बढ़त बनाए हुए हैं इस क्लब, इस सेट में जीएसए क्लब की टीम। पहला सेट बिंदु खत्ता ने जीता है और ये शानदार कटिंग यहां पे, बहुत बढ़िया स्मैश। स्कोर होता हुआ 4-7। पीपी से अनुरोध है ग्राउंड्समैन जल्दी बॉल लाएं। फिर से एक बार अच्छा ड्रॉप डालने का प्रयास था, पकड़े गए लेकिन आपस में ही कंफ्यूज हुए दोनों खिलाड़ी बिंदु खत्ता के और बॉल उन्हें देखते रह गई और जमीन को छू गई। स्कोर होता हुआ 8-4। अच्छा पास वहां पे और ही बढ़िया ड्रॉप वहां पे, छोटी बन गई थी बॉल लेकिन दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल किया और बॉल को हल्का सा धकेल दिया। अंक लिया अपनी टीम के लिए 5-8। फिर से एक बार खराब बॉल, उतना ही बढ़िया वहां पे ड्रॉप डालने का प्रयास लेकिन थोड़ा सा बॉल बाहर फेंक बैठे। स्कोर दौड़ा 9-5। फिर से एक बार अच्छा शॉट वहां पे, अच्छा स्मैश,
रन के लिए अपनी टीम के लिए। स्कोर होता होगा 6-9। करण बसेड़ा, ध्रुव बोरा, करण रेखवाल, जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स पे आए प्लीज। फिर से एक बार शानदार बॉल बनी थी लेकिन बाहर मार गए। चेकआउट निकालने का प्रयास था लेकिन अंक दे बैठे दूसरी टीम को। स्कोर होता हुआ 7-9। फिर से एक बार पिकोहेड की तरह वापसी करती हुई बिंदु हत्ता की टीम और शानदार स्प्लैश। बढ़िया प्रयास था वहां पर डिफेंस का लेकिन मुकम्मल नहीं कर पाए अपने उस प्रयास को। स्कोर होता हुआ 10-7। और ये शानदार स्मैश पूरी तरह से चकमा दे दिया ब्लॉकर को। अंक लिया अपनी टीम के लिए। स्कोर होता हुआ 8-10। सौरभ राणा जी से मेरा अनुरोध है फिर से एक बार लेकिन फाउल ने पकड़े गए हैं लिफ्टर बिंदु खत्ता के। वेट फॉर द विसल। फिर से एक बार बस शानदार स्मैश यहां पे मुट्ठी बांध के स्मैश मारा है। फिर से स्कोर होता 9-11। सर्विस में एक बार फिर से और इस शानदार ब्लॉक करने का प्रयास था लेकिन इसके बाद शीघ्र ही जो मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा ठाकुर क्लब और योगा पार्क के बीच। दो दो ही टीमों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कृपया वार्म अप कर ले। ठाकुर क्लब और योगा पार्क के बीच अगला मैच खेला जाएगा। फिर से एक बार सर्विस से बिंदु खत्ता के खिलाड़ी बॉल बनी है लेकिन पकड़े गए। खराब बॉल बनी थी ड्रॉप टाइप के उसको पार करना चाहा लेकिन पकड़े हमें ब्लॉकर ने और ये चौकर ने थे वहां पे मुस्तैद थे वहां पे ब्लॉकर। देखा बॉल इस पाले में आ रही है हल्का सा उसको सहला दिया नीचे की तरफ और अंक अर्जित किया। शानदार स्पेल उतना ही तगड़ा डिफेंस लेकिन संभाल नहीं पाए अपने डिफेंस को। अंक मिला जीएसए क्लब को। स्कोर होता हुआ 13-13। ड्रॉप का प्रयास वहां पे लेकिन पकड़े गए और ये बॉल बढ़िया उतना ही तगड़ा डिफेंस वहां पे गेम में रखा बॉल को। फिर से एक बार अच्छा डिफेंस वहां पे और हल्के हाथ उसने इसको टेप किया। अंक अर्जित करने की कोशिश की फिर देखा बहुत बड़ी 13 नंबर के लिए ड्रॉप डाल लगा प्रयास सफल हुए क्योंकि खाली जगह थर्ड पे। अंक लिया भरत पिलाए अपनी टीम को। इसी के साथ फिर से एक बार इस मरतबा इस सेट में पहली बार भरत पे बिंदु खत्ता की टीम। जीएसए कप खिलाड़ी का स्कोर इसी के साथ बराबरी होती हुई 14-14। चलो बढ़िया बढ़िया अच्छी जंप बैक सर्विस और काफी अच्छी सर्विस एस लिया अपनी टीम के लिए 15-14। फिर से एक बार बढ़त जीएसए कप की टीम अच्छी सर्विस अच्छा पास और ये डॉज करने का प्रयास था लेकिन देख रहे सफल हुए लेकिन डॉज करने में सफल हुए। बराबरी में लाया टीम को। स्कोर होता हुआ 15-15। और ये खराब हुआ रिसीव जहां पे इसके साथ बॉल बनी लेकिन ब्लॉक हुए। फिर सुन डैड से
एक बार अच्छी जंप एंड सर्विस, वो हमको बता था कहां मारते हैं ये। बॉल खड़ी करी है और ये सही पाले में स्मैश मार गए। इसी के साथ बढ़त होती हुई 17-15 और ये शानदार ब्लॉक वहां पर, बढ़िया बॉल वहां पर लिफ्टर द्वारा खिलाई गई, टॉस किया उनके ब्लॉकर को। स्कोर था 16-17। अच्छी सर्विस वहां पर, जंप एंड तेज तर्रार, बहुत बढ़िया काउंटर पे, अच्छा डिफेंस वहां पे, फिर से एक बार फिर से आके स्कोर था हुआ 18-16। बॉल बनी है पीछे, ड्रॉप डालने का प्रयास, पकड़े गए फाउल में। स्कोर था 19-16। इस बार जोश में आके बाहर मार गए। स्कोर था 17-19। अच्छी जंप एंड सर्विस वहां पर, तेज तर्रार जंप एंड सर्विस, फिर से एक बार मौका मिला था लेकिन मौके को भुला नहीं पाए। और शानदार स्मैश यहां पे, पीवी तक लोगों तक कृपया बहुत जल्दी लेके आए। स्कोर था 18-19। स्कोर था 18-19 और ये बाहर मार गए। इसी का सेट पॉइंट के लिए सभी खिलाते हुए जय से क्लब खिलाड़ी। फिर से एक बार अच्छा डिफेंस वहां पर, कंफ्यूज हुए डिफेंसर वहां पर। स्कोर था 19-20। अबे गिली हो गई बॉल, इसे एक बार सर्विस पे अच्छी हल्की जंप एंड सर्विस, बॉल बनी है, ड्रॉप डालने का प्रयास लेकिन बाहर मार गए। इसी के साथ इस मुकाबले का निर्णय डूस से होगा। स्कोर होता हुआ 20-20। काउंटर के लिए